हमेशा जागृत रहो। हमेशा जागृत रहने के लिए जागृति न्यूज को सब्सक्राइब करें। जब से बीजेपी का सरकार आया है तब से भारत के सर्वसामान्य लोगों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हुई। आप देखते हैं, उन्नाव का कांड हुआ, महाराष्ट्र में भीमा कोरेगांव का कांड हुआ, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं। और उस कांड में से जो भारतीय जनता है अभी असुरक्षितता निर्माण कर रही है, असुरक्षितता महसूस कर रही है। तो अभी मेरे साथ 30-35 साल से इस मूवमेंट में काम करने वाले, बहुजन मूवमेंट में काम करने वाले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रशिक्षण संस्था के मुख्य प्रवर्तक विजय कमले साहब है। कमले साहब, जागृति न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा कि जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो पूरे देश भर में सर्वसामान्य लोगों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार आई है ये मैं नहीं मानता। ये बीजेपी सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। जैसे कि ये सरकार आने वाली है या नहीं आने वाली है, ये तो बात की थी, मगर इस देश के लोगों को ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, दोनों भी नहीं चाहिए। तब उन्होंने कुछ हद तक केजरीवाल को भी सर पर उठा लिया था और केजरीवाल असक्षम होने के बाद फिर बीजेपी ने षड्यंत्र करके या फिर योजना बनाकर मोदी को जो है वो आगे किया और मोदी के नाम पर सरकार जो है वो आई है। मगर ये हम जानते हैं कि मोदी जो बातें करता है वैसा नहीं हो रहा। जैसे कि उन्होंने कहा था कि इस देश का भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार ये गंदगी है, इस गंदगी को हटाना चाहिए, मगर उस भ्रष्टाचार की गंदगी को हटाने का ऐलान मोदी ने किया, मगर वो गंदगी, भ्रष्टाचार की गंदगी वैसे की वैसे रह गई, मगर अभी सरकारी अफसरों के हाथ में झाड़ू देकर उन्होंने गंदगी साफ करने का काम शुरू किया, उसको डाइवर्ट किया गया, उस अर्थ को डाइवर्ट किया गया। भ्रष्टाचार वैसे की वैसे है और हम घरों में, ऑफिसों में से झाड़ू लगाकर उस गंदगी को साफ करने के लिए आ रहे हैं, स्वच्छता अभियान के तौर पर आ रहे हैं। इसमें बहुत विसंगति है। ये विसंगति क्यों आ रही है? क्योंकि मोदी की सरकार है मगर वो मोदी नहीं चला रहा है, बीजेपी सरकार चला रही है। और बीजेपी के पीछे आरएसएस है, ये बीजेपी नहीं है, ये आरएसएस है। और ये आरएसएस जो है, ये आरएसएस ये सब कर रही है। ब्राह्मणों के राज में लोगों को दबाया जाता है, कुचला जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो होने ही वाला है। तो हम लोगों को सतर्क होकर चलाना चाहिए कि ब्राह्मणों का राज इसके आगे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए या फिर ब्राह्मणों का राज होना चाहिए। ये संविधान के मुताबिक चलने वाले लोग नहीं है, ये संविधान को वास्तविक तौर पर ये विरोध करते हैं, मगर विरोध करके भी क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी ख्याति हो गई है, इतना बोलबाला हो गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के सिवा इस देश का राजकाज चलने वाला नहीं है, किसी भी संगठन का सामाजिक और राजकीय आंदोलन चलने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है। अभी देश में जो असुरक्षितता निर्माण हुई है, सामाजिक असुरक्षितता जो निर्माण हुई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये सामाजिक असुरक्षितता तो उनकी करनी है, इसमें तो दो राय नहीं है। मैंने पहले बताया कि वो तो करने ही वाले हैं, मगर इसके लिए लोगों को सतर्क होकर संविधान का राज कैसे आए, इसके लिए हमारे लोगों ने कार्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ये बात है। इसको अभी लोग कहते हैं कि भाई 2019 में अभी इलेक्शन आ रहा है, अभी क्या होगा, अभी उसको गलाना चाहिए, इसको अभी हराना चाहिए, ऐसा कहते हैं। तो मैं दूसरी बात कहता हूं लोगों को कि भाई हराना चाहिए, ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन किसको लाना चाहिए? अभी लोगों को कांग्रेस भी नहीं चाहिए और बीजेपी भी नहीं चाहिए, तो फिर किसको लाना चाहिए? तो वो धीरे से फिर असहाय होकर वो नाम लेते हैं कांग्रेस को लाना चाहिए। अभी कांग्रेस भी तो वही है,
वो हौले से चाटे मार चाटा मारने वाला है और ये जो है वो जोर से चाटे मार चाटा मारने वाला है। तो कांग्रेस को अगर लाना है तो हम परिवर्तन परिवर्तन कहाँ से लाते, परिवर्तन नहीं होता। कि अभी इस देश में कांग्रेस के लोगों ने सत्ता उपभोगी है, उसके बाद में समाजवादी लोगों ने सत्ता उपभोगी है और कम्युनिस्ट तो कई पर भी वो सत्ता में रह चुके हैं। और चौथी बात जो है वो आरएसएस अब तक थी, पीछे थी, लेकिन अभी आगे आकर वो सत्ता चला रही है। अभी इस देश में जो पांच विचारधाराएं कार्यरत है, एक गांधीवादी, दूसरी समाजवादी, तीसरी कम्युनिस्ट और चौथी जो है वो आरएसएस की है, हिंदुत्ववादी है, और पांचवी जो है वो पांचवी का प्रचार होना चाहिए कि ये अंबेडकरवादी विचारधारा है। अगर अंबेडकरवादी विचारधारा यानी संविधानवादी विचारधारा अगर इस देश में प्रभावित होती है तो ये सारी बातें जो है वो मिट जाएगी और ये ऐसा कुछ बाद में नहीं होने वाला। इस देश में सुख शांति से लोग रह सकते हैं। वो हमारा जो द्रविड़ काल था वो द्रविड़ काल फिर से जागरूक हो जाएगा, आ जाएगा, और इसमें लोग जो है वो साधन संपन्न भी हो गए, सबको स्वातंत्र्य होगा, सबको न्याय मिल सकता है। अभी न्यायालय में भी अभी क्या चल रहा है आपको मालूम है, लेकिन सबको न्याय मिल सकता है, स्वातंत्र, समता, बंधुता और न्याय इस देश में पनपेगी। और ये अगर पनपना चाहते हैं तो लोगों ने अभी ये चार विचारधाराओं का तो लाभ लिया है, आस्वाद तो लिया है, अभी अम्बेडकरवादियों को भी अभी हमको चुनवा कर देकर एक अवसर देना चाहिए। ये मैं कहता हूँ, कांग्रेस भी हमारी दुश्मन है और बीजेपी भी हमारी दुश्मन है। और 1949 में जब घटना लागू हुई तो घटना लागू होने के पहले जब सुपुर्द हुई 26 नवंबर को, तब कम्युनिस्ट बाबा साहब अंबेडकर ने अपने भाषण में ये कहा था कि देखो कि कम्युनिस्ट और समाजवादी लोग भी इसको विरोध करते हैं, इस घटना को विरोध करते हैं। तो घटना को विरोध करने वाले लोगों को ही हमारे लोगों को नजदीकियां लगती है कि ये लोग जो है वो घटना के नजदीक है, हमारे नजदीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविक तौर पर ये सारे जो लोग हैं, आरक्षण का मुद्दा अगर लिया तो आरक्षण के मुद्दे पर ये लोग सारे एक हो रहे हैं। कैसे एक हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आरक्षण जो है वो आरक्षण जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, इनकम के आधार पर होना चाहिए, इकोनॉमिक के आधार पर होना चाहिए। पर इकोनॉमिक का आधार तो घटना में नहीं है, घटना में सामाजिक और शैक्षणिक आधार दिया हुआ। ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार इतिहास पर रचा हुआ है, और इसलिए नहीं दिया कि कितने भी आप धनवान क्यों ना हो, लेकिन आप अगर सामाजिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से आपका समाज और आप जब तक निचले स्तर पर काउंट किए जाते हो, गिने जाते हो, तब तक तो आप कितने भी धनवान होकर भी आपका सर झुका ही रह जाता है। इसलिए ये गैर राजनीतिक जड़े जो है मजबूत होनी चाहिए। ये अगर हम मानते हुए भी हमको पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देना चाहिए कि किसके साथ में जाना चाहिए, किसके साथ में नहीं जाना चाहिए, किसके साथ में जाने के बाद में हमारा नुकसान होगा और किसके साथ में जाने के बाद हमारा नुकसान नहीं होगा, सारे समाज का फायदा हो सकता है, हमारा असली प्रतिनिधि जो है वो चुनकर जा सकता है। ये बातें करने के लिए सारे लोगों ने एक होना चाहिए, ये इससे मैं सहमत हूँ। एक होने के लिए हम ये काम कर रहे हैं और इसका फायदा जरूर इस 2019 के इलेक्शन में होगा, हमारे लोग सतर्क हो सकते हैं। धन्यवाद कमले साहब, आप हमारे जागृति न्यूज़ के चैनल के रूम में आए हैं, लोगों को अपनी बातें रखी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, जय भीम सबको।